200 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की सहयोगी पिंकी ईरानी को आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। पिंकी ईरानी की दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की पुलिस कस्टडी आज खत्म हो रही है। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की सहयोगी पिंकी ईरानी को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया था। इधर IIT गुवाहाटी के इतिहास में पहली बार किसी छात्र को नौकरी का सबसे बड़ा पैकेज मिला। IIT गुवाहाटी में पढ़ने वाले एक छात्र को सालाना 2,40,00,000 रुपए तनख्वाह का ऑफर मिला, जिसे एक विदेशी कंपनी ने उसे दिया। IIT गुवाहाटी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी छात्र को सालाना 2 करोड़ से ज्यादा तनख्वाह का ऑफर मिला हो। विदेश की कंपनी ने IIT गुवाहाटी में पढ़ने वाले BTech के एक छात्र को कैंपस प्लेसमेंट के तहत यह ऑफर दिया। उधर पटना में आबकारी विभाग की हिरासत में शराब पार्टी के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने थाने में तैनात 2 होमगार्ड पर भी कार्रवाई की और उन्हें लापरवाही के आरोप में जेल भेज दिया। दोनों होमगार्ड पर कैदियों के साथ मिलकर शराब पीने का भी आरोप है। उनकी जिम्मेदारी फिक्स की गई और उनको अरेस्ट किया गया है। आबकारी विभाग के थाने में शराब पार्टी के आरोपियों से पालीगंज के ASP ने 5 लीटर शराब बरामद की।